हाई दे आर यू ब्यूटिफुल पीपल आई होप दैट यू आर डूइंग रियली फाइन माई नेम इमित भाटिया और आज इस वीडियो प्रजेंटेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम्स के बारे में ये फर्स्ट पार्ट है इस सी आर एस सीरीज का और जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो होंगे सी आर एस की इंट्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट सी आर एस सिस्टम की एक स्टडी करेंगे हम और सीआरएस के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं सच एस सिटी पेयर अवेलेबिलिटी फ्लाइट बुकिंग्स एंड एयरलाइन टिकट्स के बारे में समझेंगे हम ये वीडियो प्रेजेंटेशन डिजाइन की गई है मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट सेकेंड सेमेस्टर के लिए और जो सब्जेक्ट टारगेट किया गया है उसका नाम है इंटरनेशनल एयरफेयर टिकटिंग एंड एयर कार्गो ऑपरेशन विदिट सब्जेक्ट कोड एस एम टी टी एम टू जीरो थ्री वन एट स्टूडेंट्स हम में से हर कोई जानता है कि वी एज टूरिज्म प्रोफेशनल्स हमें कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है समझने की कि एविएशन इंडस्ट्री कैसे काम करती है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें एविएशन इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है डोमेस्टिक ट्रैवल में ऑफ कोर्स जो ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस हैं उसमें अलॉट ऑफ वैरायटी कैन बी देयर डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से कंट्री के पार्ट हैं बट इंटरनेशनल ट्रैवल में एविएशन इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अब सपोजिंगली मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ और मेरे पास एक कस्टमर आता है वो मुझे कहता है कि अस्ताना से जागरेब की मेरे को फ्लाइट चाहिए अब ऑफ़ कोर्स मेरे को नॉलेज होनी चाहिए एज ए टूरिज्म प्रोफेशनल की अस्ताना और जागरेब कहाँ पर लोकेटेड है बट एग्जैक्टली exactly कौन सी फ्लाइट वहाँ ऑपरेट करती है उनके प्राइजेस के हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है ये पॉसिबिलिटी है भी उस डेट पे कि नहीं जहाँ पे कस्टमर मांग रहा है बुकिंग फ्लाइट्स की अगर मेरे को बुक करानी है तो कौन से मीडियम के थ्रू कराऊँ क्या बीच में कोई स्टॉप आएगा वो स्टॉप अगर पैसेंजर को पसंद नहीं है तो क्या मेरे पास और ऑप्शन हैं ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक प्लेटफॉर्म अगर कोई दे उसको कहते हैं सी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्रैवल एजेंट का काम बहुत ईजी बनाने के लिए सी आर एस की नीड इंपॉर्टेंस मतलब को समझना इससे पहले हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ टाइम डिफ्रेंसीएशन विद रिस्पेक्ट टू डे लाइट सेविंग टाइम्स हमने पढ़ा जीएमटी क्या होता है हमने पढ़ा कि आइटा ने अपने जोग्राफिकल एरियाज को कैसे क्लासीफाई किया गया है बट अब हम आते हैं ऑल टूगेदर डिफरेंट टॉपिक पे जो कि है सी आर एस का ए सारा जितनी भी सीरीज हम पढ़ेंगे सारा सी आर एस के ही आगे रिवॉल्व करेगी ये वीडियो प्रेजेंटेशन को समझने के लिए गुड 25 फाइव टू थर्टी मिनट्स लगेंगे आपको सो काइंडली पे ऑल अटेंशन एंड फाइनली हम इस वीडियो प्रेजेंटेशन के एंड में क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे नंबर वन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सी आर एस इन द एविएशन इंडस्ट्री नंबर टू वी विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सी आर एस ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड डिफरेंट सी आर एस एंड फाइनली वी विल अंडरस्टैंड द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ सी आर एस जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डीयर स्टूडेंट्स हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम्स, सी आर एस जिसको हम सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम्स भी कहते हैं इसका बेसिक पर्पस अगर मैं आपको समझाऊं एज अ लेमैन इसका पर्पस है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक्सेस देता है जो कि एक ट्रेवल एजेंट को एक्सेस देता है किन सब चीजों का एयरलाइंस कार रेंटल क्रूज लाइन्स हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री रेलवे फेरीज या जितनी भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिनमें बुकिंग पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर सीट की इन्वेंट्री की उनकी इंफॉर्मेशन एज वेल एज बुकिंग करने की कैपेसिटी जो देता है उसको कहते हैं सी आर एस सी आर एस के हायर वर्जन को कहते हैं जी डी एस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर्पस समझ आ गया पर्पस यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे ट्रैवल एजेंट ये सारी चीज़ों की एक्सेस रख पाए कितनी डिफरेंट एयरलाइंस है जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है उनका एक्सेस रखना मेक श्योर करना कि यस अगर मेरे को कंट्री से कंट्री भी जाना ये सारी ट्रैवल ऑप्शन है इस फेयर में इस टाइम ड्यूरेशन में इस फ्लाइट से मैं आराम से पहुंच सकता हूं और ये मैं बुक कर सकता हूं अपने पैसेंजर के लिए बिकॉज वो उसके लिए परफेक्ट रहेगी तो ये सारी इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस मिलेगा उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं सीआरएस कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम स्टूडेंट्स आगे समझते हुए कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम को एज ए टूल एज ए टूल फॉर ए ट्रेवल एजेंट कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना इसका मतलब समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है फर्स्ट जो सीआरएस है यहां पे जितने भी रेट्स हैं फ्लाइट की अवेलेबिलिटी है कितनी सीट्स रह गई हैं क्या ऑप्शंस हैं दोनों के बीच में दो डेस्टिनेशंस के बीच में सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम होएगी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सारी चीजें लाइव होंगी तो आप जो भी अपडेट करोगे या जो भी सर्च करोगे वो रियल टाइम होगा ऐसा नहीं होगा कि आपने सर्च किया और आपको एक साल पुरानी इन्फॉर्मेशन वो दिखा रहे हैं तो सी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड आप इंफॉर्मेशन ही सर्च नहीं कर सकते ऑफकोर्स आप वो कर सकते हो बट उसके अलावा आप बुकिंग भी कर सकते हो आप पेमेंट भी मेक कर सकते हो उस पर्टिकुलर टिकट की जो आप परचेज करोगे और इसके साथ साथ वो बिल्स भी जनरेट करेगा ताकि आप उसकी प्रॉपर टैक्सेशन पे कर सको और अगर इन्वाइस चाहिए हमें कस्टमर को पे करने के लिए सपोजिंगली ट्रैवल एजेंट मैं हूँ और कस्टमर ने मेरे को कहा कि दिल्ली टू बॉम्बे की टिकट बुक करनी है तो इस सी पे मैंने बुक की पेमेंट मैंने सी के थ्रू कर दी पेमेंट के बाद जो मेरी रिसीट आई वो मैंने कस्टमर को दे दी उसको अगर एयरलाइन टिकट स्पेशल चाहिए हमने वो उसको दे दी इन्वॉइस उसको दे दिया ये सारी फैसिलिटीज पॉसिबल है कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम से डियर स्टूडेंट्स अब तक हमने जो भी पढ़ा या समझा वो सब इमेजनरी था उसको अगर एक चार्ट के फॉर्म में हम समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो बॉक्सेस बने हुए हैं जहां पे लिखा हुआ है एयरलाइन सिस्टम्स होटल सिस्टम्स कार रेंटल सिस्टम्स अदर ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स ये लोग कहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं किसको कर रहे हैं सी आर एस को जी डी एस को और ये जो अमेडियस गैलीलियबर वर्ल्ड स्पैन लिखा हुआ है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी आर एस सिस्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बट आगे हम देख रहे हैं कि सी आर एस और जी डी एस फर्दर कॉम्युनिकेट कर रहे इंटरमीडिएटरीज को और इंटरमीडिएटरीज कर रहे हैं कस्टमर्स को राइट right. अब ये प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं स्लो चार्ट के थ्रू सपोजिंगली मैं एक कस्टमर हूं राइट एट द बॉटम मैं गया इंटरमीडिएटरी के पास इंटरमीडिएटरी होता है एक ट्रैवल एजेंट मैंने ट्रैवल एजेंट को कहा कि ट्रैवल एजेंट प्लीज मेरी टिकट बुक करो चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली तक की सॉरी ट्रैवल एजेंट कहता है ओके मैं सर्च करता हूं कि बेस्ट फेयर कौन सा है उसने अपने जो सी आर एस उसने परचेस किया हुआ है या सब्सक्राइब किया हुआ है उसने सपोजिंगली एम पे सर्च किया एम पे उसने देखा कि यस दे, चंडीगढ़ टू डेली फ्लाइट अवेलेबल है अब उस ट्रैवल एजेंट को कैसे इंफॉर्मेशन मिली कि सी आर एस पे ये चीज अवेलेबल है कि नहीं ये जो एयरलाइन सिस्टम टॉप पे है इन्होंने अपनी लाइव इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई अमेडियस पे टाइमली अपडेट किया हुआ है जितना भी फेयर कोटेशन होगी जितना भी इनके बीच में सीट्स अवेलेबिलिटी है सब कुछ है यहाँ एयरलाइन सिस्टम से इन्फॉर्मेशन गई सी के पास ट्रैवल एजेंट ने देखा कि यस ये सारी इन्फॉर्मेशन है बुकिंग पॉसिबिलिटी है उसने सारी ऑप्शन प्रोवाइड की कस्टमर को कस्टमर ने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट की इंटरमीडिएटरी ने सी पे टिकट बुक की और इन कस्टमर को दे दिया इस तरीके से एक प्रॉपर चैनलाइजेशन के थ्रू सी के थ्रू टिकट टिकट बुकिंग पॉसिबल होती है डियर स्टूडेंट्स सी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया एक पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं एक प्लेटफॉर्म को कहते हैं जिसके थ्रू ट्रैवल एजेंट बुक कर सकता है दुनिया के तीन सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल सी हैं सबसे पहला अमेडियस अमेडियस 1987 में डिस्कवर हुआ था और आज इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ऑलमोस्ट दुनिया की हर एक एयरलाइन इसके साथ एसोसिएटेड होना चाहती है अगर ट्रेवल एजेंट के पास आप जाओगे और उसको पूछोगे कि आप कौन सा सीआरएस यूज कर रहे हो तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बताएगा कि वो अमेडियस यूज कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन के साथ टाइप्स हुए हुए तो जितनी अच्छे टाइप्स हैं उतनी अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करेंगे बुकिंग फॉर्म के तौर पर अमेडियस इज वन ऑफ देन मूविंग अड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सी आर एस है जिसकी हम बात करेंगे वो है सेबर जो सेबर है वो नाइनटीन सिक्सटी में बना था अगेन विद द सेम फिनोमिन कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू ट्रैवल एजेंट बुकिंग्स कर पाए या इंफॉर्मेशन देख सकें किस चीज की डिफरेंट चीजों की एयरलाइंस होगी आपकी कार रेंटल कंपनीज होगी रेलवे सर्विसेज होगी होटेल बुकिंग्स होगी ये सारी फैसिलिटीज ऑफर करता है साइबर अमेडियस से नीचे आता है बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सी सिस्टम है ये जो वर्ल्ड में ऑपरेटर है फाइनली हम बात करते हैं गैलीलियो के बारे में गैले नाइनटीन एटी सेवन में बना था जस्ट लाइक कमेडियस बट इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवरटेक कर लिया ट्रेवल पोर्ट ने तो ट्रैवल पोर्ट इसकी पेरेंट कंपनी है अगेन गलेलियो भी एक बहुत फेमस नेम है इन दर्ल्ड ऑफ सी आर एस एंड ये भी बहुत अच्छी ऑपरचुनिटीज प्रोवाइड करता है एंड गिवन डैट कि ये ट्रैवल पोर्ट के साथ मर्जोगे अलॉट ऑफ एयरलाइंस अलॉट वेराइटी ऑफ एयरलाइंस बेल्ट में आ गई हैं। तो अगेन जितनी ज्यादा एयरलाइंस के साथ इनका टाइप है उतनी ज्यादा ऑप्शन मिलने की हैं। स्टूडेंट्स अगर ब्रीफ में हम डिस्कस करें कि सी आर एस के फंक्शन क्या होते हैं सबसे पहला फ्लाइट स्केड्यूल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है किस क्लास में अवेलेबल है इकोनॉमी में बिजनेस क्लास में है फर्स्ट क्लास में है फेयर की कोटेशन देगा कि इस दिन पे इस समय पे यह वाली फ्लाइट जो आप इस डेस्टिनेशन से लोगे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए उसका ये फेयर है अगर आप बैगेज एक्स्ट्रा लोगे तो उसका फेयर क्या ऐड होएगा और राइट right. रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन देता है कि रियल टाइम कितनी सीट्स अवेलेबल है टिकट की इन्फॉर्मेशन देता है रिफंड्स और कैंसिलेशन की इन्फॉर्मेशन देता है ये बेसिक फीचर्स होते हैं जो सी आर एस प्रोवाइड करता है किसी भी ट्रैवल एजेंट को डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन की जो सी आर एस का पार्ट है जिसका नाम है सिटी पेयर अवेलेबिलिटी सी पी ए या फिर सिटी पेयर अवेलेबिलिटी इसके नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है सिटी पेयर दो शहरों का पेयर अवेलेबलिटी तो फ्लाइट ऑप्शन एक शहर से दूसरे शहर के बीच में है कि नहीं इसे सिटी पेयर अवेलेबिलिटी कहते हैं वेरी सिंपल सपोजिंगली मेरे को जाना है न्यू डेली से केप टाउन साउथ अफ्रीका तो क्या फ़्लाइट ऑप्शन है मेरे पास अगर मैं देखूं कि मेरे को इस पर्टिकुलर डेट में इस पर्टिकुलर टाइम में इस फेयर के बीच में यहाँ से वहाँ जाना है पॉसिबिलिटी है अगर है तो जो हमारा कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है वो ऑप्शन दिखा देगा तरीका होता है प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ती है उसके लिए अगेन वो सारा टेक्निकल पार्ट में चला जाएगा हम उसकी डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे बट ये चीज समझते हैं कि दो शहरों के बीच में फ्लाइट की ऑप्शंस को सर्च करना फंक्शन है सीआरएस का जिसको हम कहते हैं सिटी पेयर अवेलेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स राइट नाउ आपकी स्क्रीन पे साइबर जो एक सी आर एस है जिसके बारे में हमने पहले बात की है वहां पे अगर हम सिटी पे अवेलेबिलिटी का फंक्शन यूज करें तो जो पहला बॉक्स हमें दिख रहा है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी नंबर्स काफी कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं और कुछ भी बिल्कुल क्लियर नहीं है बट ये जो कोड्स हैं नीचे उनकी डी कोडिंग की हुई है अगर हम बात करें लाइन नंबर थ्री की जो कि इस बॉक्स के अंडर है जहां लिखा हुआ है वन सी वाई थ्री थ्री सिक्स सी सेवन डी सेवन जेड टू वाई सेवन and further LCA ATH 1600-1745 एच सिक्सटीन इसका मतलब क्या है ये हम डीकोड करने की बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश करते हैं अगेन इसकी डेप्थ में जाना हमारा मोटिव नहीं है बट समझते हैं कि सी पी आई एक्जैक्टली वर्क कैसे करता है जो वन सी वाई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आप ऐसे इसके नीचे देख रहे हैं वो सीरियल नंबर है आइडिया लग जाता है कि कितनी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जो सी वाई लिखा है वो कैरियर कोड है फॉर एग्जांपल एआई अगर होएगा तो वो एयर इंडिया का कैरियर कोड है आगे जो लिखे थ्री थ्री सिक्स वो फ्लाइट का नंबर है तो हमारे पास कैरियर कोड है हमारे पास फ्लाइट का नंबर है वेरी गुड इसके बाद हमारे पास आ रही है सी सेवन डी सेवन जेड टू वाई सेवन ये सारी क्लासेज होती हैं किसी भी एयरलाइन में जो सीटिंग होती है पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर सेक्शन उनको क्लासेस में डिवाइड किया होता है इकोनॉमिक क्लासेस की अलग सेक्शन होती है प्लेन को अलग अलग क्लासेस में इसलिए डिवाइड किया होता है ताकि उनको जब हमने फिल करना होता है हमने नहीं मतलब जब एयरलाइन मेक श्योर करती है कि वो फिलिंग हो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू फिल हो इसलिए उनकी कैटेगराइजेशन की जाती है मूविंग अहेड जब इनकी हमें पता चल गई कि ये वाली रोज अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन दैट इसके बाद लिखा हुआ एल सी ए टी एच एल सी ए और ए टी एच सिटी कोड्स है जो कि बता रहा है कि इन दो सिटीज के बीच में ये फ्लाइट ऑप्शन है जिसका कोड है सी वाई फ्लाइट नंबर है थ्री थ्री सिक्स और क्लासेस जो अवेलेबल है वो है सी सेवन डी सेवन जेड टू वाई सेवन फिर बाद में हम देख रहे हैं सिक्सटीन हंड्रेड टू सेवनटीन फोर्टी फाइव लिखा हुआ है ये टाइम ऑफ डिपार्चर और टाइम ऑफ अराइवल है रिस्पेक्टिवली तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा सी आर एस इस केस में हमने सेबर के बारे में डिस्कशन की है स्टूडेंट फ्लाइट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी सीआरएस का अब जैसे कि हमने पहले बात की है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरएस अवेलेबल है मार्केट में अमेडियस कैलेलियो वर्ड स्पैन ट्रेवल पोर्ट साइबर तो यह डिफरेंट इसलिए क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंट है तो ऑफकोर्स इनकी जो फ्लाइट बुकिंग प्रोसीजर्स है वो भी डिफरेंट होंगे बट अगर हम एक लेमैन के तरीके से समझें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे और सीआरएस या जीडीएस इसमें कैसे इन्वॉल्व है कैसे वर्क करता है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है तो एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए सपोजिंगली मेरे को डेली से बॉम्बे जाना है एक पर्टिकुलर डेट को मैं अकेला एडल्ट एडल्टू जो जाना चाहता हूँ और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है सो so, पहला स्टेप क्यों आएगा मैं मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे जाऊंगा वहाँ पे एक बॉक्स होएगा बॉक्स में मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ दूँगा कि मेरे को मेरा जो डिपार्चर सिटी है वो है दिल्ली अराइवल सिटी है मुंबई मेरे को जाना है ट्वेल्थ ऑफ जून को मैं सिंगल एडल्ट हूँ और मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो वो मेरा पहला स्टेप हो गया जिसको कहते हैं स्पेसिफाइंग दी सर्च पैरामीटर्स उसके बाद जो सी जी है वो ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट्स स्केड्यूज और उनकी अवेलेबिलिटी सर्च करना शुरू कर देगा दिल्ली से बॉम्बे उस दिन पे जो भी बढ़िया फ्लाइट्स जा रही है या जो फ्लाइट्स अगर जा रही हैं और उनमें सीट्स अवेलेबल हैं वो इंफॉर्मेशन वो मेरे को सबसे ऊपर क्लासीफाई करके देगा डियर स्टूडेंट्स मूविंग अ हेड जैसे कि हमने पहले बात की अवेलेबिलिटी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बेस्ट फ्लाइट मिल सकती है बेस्ट कनेक्टिविटी मिल सकती है बेस्ट एयरलाइंस दो रीजन के बीच में ऑपरेट करती हुई मिल सकती है हमारे केस में दिल्ली से मुंबई बट अगर उसमें सीट से अवेलेबल नहीं है then it's of no use. तो अवेलेबिलिटी सर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर uh, बन जाता है किसी भी जी का देन देन कम्स फेयर सर्च फेयर सर्च में कौन सी फ्लाइट कितना फेयर चार्ज कर रही है वो फेयर किस तरीके से चार्ज है सपोजिंगली इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर एयरलाइन उस पर्टिकुलर दिन ऑपरेट एक ही टाइम करती है इसलिए उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है दैन वो एयरलाइन जो दो से तीन बार ही ऑपरेट करती है तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है ट्रैवल की हमें ज़्यादा टाइमिंग्स मिल जाते हैं तो फेयर की भी जो वेरिएशन आएगी वो जी में ही आएगी वो शो करेगी पैसेंजर को दिस इज़ ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सी फंक्शन डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हुए जब एक पैसेंजर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिल्ली टू मुंबई उसको ये परफेक्ट फ्लाइट मिल गई है जो सबसे कम टाइम ले रही है जिसका फेयर भी सबसे कम है और जो इन फ्लाइट कंफर्ट भी अच्छा दे रही है फ़्लाइट का नाम भी सुना हुआ है तो वो पैसेंजर जाते है फ़्लाइट कंफर्मेशन के लिए जब वो फाइनलाइज कर लेता है एक टेम्प्रेरी पी नंबर जनरेट हो जाता है परमानेंट तब जनरेट होता है जब उसकी वो पेमेंट कर देता है बट पेमेंट गेट तक पहुँचने से पहले वो एक बारी ब्लॉक कर देता है अपनी सीट को ब्लॉकिंग का एडवांटेज क्या होता है कि दो घंटे के लिए एटलीस्ट वो सीट अन अवेलेबल हो जाती है सिर्फ उसी पैसेंजर के लिए हो जाती है जिसने अपनी डिटेल्स भर के उसको ब्लॉक किया है तो एक चीज मेक श्योर करनी बहुत जरूरी है कि जो पीएनआर होता है वो जीडीएस में क्रिएट होता है और सीआरएस में क्रिएट होता है तभी तो कोई ऑफिशियल जब हमारा पी एन आर है इसी तरीके से होता है वो यही डिटेल्स होती है जो हम बुकिंग ए टाइम सारी डिपॉजिट करते हैं सारी राइट डाउन करते हैं इसी तरीके से सारी चीजें वेरीफाई होती हैं डियर स्टूडेंट्स फाइनली जब पैसेंजर डिसाइड कर लेते हैं कि ये yes, यही फ्लाइट है ही इज वेरी श्योर कि अब वो उसकी पेमेंट करना चाहता है वो इन वेरियस फॉर्म्स उसकी पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल वॉलेट्स द केस में भी और जैसे ही उसकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है वो जो टेम्प्रेरी पी उसको इश्यू होता है वो परमानेंट पी में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसीजर होता है फ्लाइट बुकिंग का डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो प्रेजेंटेशन के बारे में एयरलाइन कोर्स हम में से हर एक को पता है कि एयरलाइन टिकट्स क्या होती हैं बट जस्ट टू रिकेपिचुलेट एयरलाइन टिकट एक ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रैवल एजेंट या जो भी इंटरमीडिएटरी बीच में बैठा हुआ है वो प्रोवाइड करता है पैसेंजर को ताकि मेक श्योर होए कि जो उस पर पी नंबर है और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उससे एयरक्राफ्ट में उसको पर्टिकुलर सीट मिलने में आसानी हो गाइस प्लीज मेक श्योर करो कि एयरलाइन टिकट जो एयरलाइन टिकट है एंड जो बोर्डिंग पास है दे बोथ टोटली डिफरेंट एयरलाइन टिकट से हमें बोर्डिंग पास मिलता है बोर्डिंग पास से हमें एक्सेस मिलता है प्लेन में एंटर करने का एयरलाइन टिकट एंड बोर्डिंग पास आर नॉट द सेम थिंग एयरलाइन टिकट में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स एयरलाइन टिकट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है वो हो सकती है या फिर प्रिंटेड आउट फॉर्म में रिटर्न फॉर्म में हो सकती है इन सब में जो कॉमन इंफॉर्मेशन होती है जो एयरलाइन टिकट पे प्रेजेंट होती है वो होती है नेम ऑफ द पैसेंजर नेम ऑफ द एयरलाइन आपका पीएनआर नंबर कितनी टिकट साथ में इशूड की गई है आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन प्लेस क्या है ट्रैवल का आपकी टिकट की वैलिडिटी क्या है मोड ऑफ पेमेंट क्या है और जो आपको फेयर चार्ज किया गया है उसकी बायफोकेशन क्या क्या है आप किस डेट के लिए जा रहे हो कितने टाइम के लिए वैलिड है ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस एयरलाइन टिकट में आपको अवेलेबल होगी डियर स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन एयर एयरबाल्टिक की एक एयरलाइन टिकट का एग्जाम्पल है क्लियरली हमें यहां दिख रहा है बुकिंग डेट की रेफरेंस दी हुई है टिकट नंबर की रेफरेंस दी हुई है हमें आइटनरी के बारे में बताया हुआ है कि किस डेट को किस टाइम पे कौन सी जगह से प्लेन जाके कौन सी जगह उतरेगा हमें क्लास के बारे में बताया हुआ है हमें फेयर की बाइफोकेशन की हुई है हमें बैगेज की इंफॉर्मेशन दी हुई है ये सारी चीज़ें एक पर ये सारे कॉम्पोनेंट्स मिल बनाते हैं एयरलाइन टिकट को अगेन यहाँ पर कहीं पर भी आपको गेट नंबर नहीं नज़र आ रहा होगा गेट नंबर बोर्डिंग पास पे होता है दैट इज़ वाई बोर्डिंग पास एंड एयरलाइन टिकट्स बोथ आर डिफरेंट स्टूडेंट्स जस्ट टू सम हमने बात की है सी आर एस या कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम के मतलब के बारे में हमने जाना कि सी आर एस जो है वो रियल टाइम ऑपरेट करता है हमने जाना कि सी आर एस का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जी डी एस कहते हैं हमने जाना कि अमेडियस गैली एंड सेबर फ्यू ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स हैं सी आर एस सिस्टम्स के जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में और फ्लाइट स्केड्यूल की इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन टिकट की इन्फॉर्मेशन रिफंड एंड कैंसिलेशन की इन्फॉर्मेशन ये फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं किसी भी सी आर एस के फॉर द मो हमने मतलब समझा सिटी पेयर अवेलेबिलिटी का और सेबर के कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए समझा कि सिटी पेयर अवेलेबिलिटी कैसे फंक्शन करती है हमने फीचर्स जाने कि फ्लाइट बुकिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक लेमैन को भी अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि जो फ्लाइट बुकिंग का प्रोसीजर होता है वो क्या होता है फाइनली हमने समझा कि एयर टिकट कितने कितने टाइप्स की होती है उसका एग्जैक्टली exactly मतलब क्या है वो क्यों डिफरेंट है बोर्डिंग पास से एंड उसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से है गिवन ऑन द स्क्रीन आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अगेट दिटली क्लैरिफाइड The key content for the video presentation has been extracted from the sources mentioned on the screen. In case anybody pops up with any kind of doubt regarding the content or anything else, one can email on the given email ID or could call to the provided number. Thank you so much for your time and attention. I will see you next time.